ग्राउंड की एनवायरनमेंट भी अच्छी है, प्लेयर भी जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ट्रॉफी जो आयरलैंड में हमारी, मेरे जो ओपनर थे उन्होंने बड़ी अच्छी गेम खेली है और यहाँ तक नौबत नहीं आई कि हमारा कोई सेकंड प्लेयर आ जाता तो ओपनिंग ने हमें विन करवा दिया। अल्लाह का शुक्र है, हमारी मोटिवेशन बहुत हाई है, तो लड़के जो हैं वो पुरजोश हैं। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट टू आवर सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर जिन्होंने कितना अच्छा इवेंट अप्रूव किया। एक्साइटमेंट आपको ग्राउंड में नजर आ रही है। इसके पीछे सिर्फ यही स्ट्रेटजी थी कि हमने प्रॉपर टीम वर्क के साथ काम किया, जो हमारे परफॉर्म कर रहे थे लोग, हमने उनको ओपनर भी उनको भेजा और बॉलिंग भी उनसे करवाई और बस एज अ टीम वर्क हमने प्ले किया। तो हमने तो उनको मौका नहीं मिलता कि वो कोई इस किस्म की दूसरी एक्टिविटीज़ हैं या हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, पूरी कॉरपोरेट की जो परफॉर्मेंस है वो जो है ना वो इन्हांस होती है इस तरह के इवेंट्स की वजह से। और ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि वो हमें जो लॉस हुआ है वो बॉलिंग की वजह से ही हुआ है। पहले तो कंग्रेचुलेशन टू माई टीम एंड थैंक्स टू अल्लाह, हम अपना पहला मैच जीते हैं और इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल में जाएंगे। हमारी टीम वर्क बहुत अच्छी थी, हमारी फील्डिंग, हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग, इन सब ने बहुत अच्छा मतलब हमने इसमें परफॉर्म किया है। ये सोच के आए थे हम जीत के लिए आए थे इस ग्राउंड में। It's a good opportunity to bond with each other, to interact with each other and to know each other as well. यहाँ पे जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ काम कर रहा है, तो इसी तरह एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। अगर आप एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हैं तो आपको वो हेल्प करती है टू क्लियर अप योर माइंड।